मिस्टर सुनील कुमार तो मिस्टर राउे मिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार कांस्टेबल मिस नेहा कुमार मिस सपना कुमारी कांस्टेबल मिस्टर विकास कुमार मिस्टर सौरभ कुमार कलर इंडियन बैंक मिस रीचा प्रासर असिस्टेंट मैनेजर द्वारा ये घोषणा किया गया कि प्रत्येक माह 75,000 लोगों को जो बेरोजगार हमारे नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और साल में 10 लाख लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। उसी के क्रम में 22 अक्टूबर 2022 को भी 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और आज 22 नवंबर 2022 है, आज भी 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र पूरे देश में 45 जगह दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस देश का गरीब हो, गुड़वा हो, अब बेरोजगार हो, नौजवान हो, कोई भी लोग भूखा नहीं रहे, कोई भी रोज बेरोजगार नहीं रहे, ये प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का सोच है। उसी के क्रम में आज रोजगार मेला के तहत पूरे देश में 45 जगह पर 71,000 नौजवानों को नई नियुक्ति पत्र दी गई है। विपक्ष कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या कम है, हम लगातार काफ़ी दे रहे हैं। अरे विपक्ष का काम है विरोध करना, आप कितना अच्छा काम करोगे विपक्ष विरोध करेगा, लेकिन भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि प्रत्येक घर में चूल्हा जले। उसी के अंदर आप देखिएगा कि जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, देश में अमन चैन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है और सोच के तहत ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसके तहत 10 लाख लोगों को एक साल में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, इसका फॉलो कर रहे हैं। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इतने दिनों से जनता दल यू भारत सरकार में का सहयोगी था, बिहार में सरकार थी, क्यों नहीं इतने दिन से नीतीश कुमार जी लोगों को रोजगार दिए? 17 वर्ष में यदि रोजगार देते, 1-1 लाख लोगों को देते, 17 लाख लोग होता, वो तो दिए नहीं। आज जब भारत सरकार का ही शुरुआत हुआ तो वो नकल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भारत सरकार, मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी भारत सरकार का नकल कर रहे हैं।